आजकल मुझे मौका बहुत कम मिलता है सूट डालने का आजकल क्या है ना कि सबने लफड़ा करना छोड़ दिया सबको पीसफुल तो भाई मतलब लफड़े नॉन एक्सिस्टेंट हो गए हैं लेकिन दोस्तों आज कुछ हुआ है हमारे साथ ओके okay? आज हुआ है कुछ दिस इज पेयरली कॉन्टेंट ब्रो दिस इज पेयरली कॉन्टेंट दिस इज जस्ट मी ट्राइंग टू बी रेलिवेंट लुक एट दिस ब्रो वन थर्टी एट चाइनीस एप्स दैट गॉट पैंड बाई द इंडियन गवर्नमेंट

ठीक है तुम लोग ये समझ पा रहे हो दोस्तों कि यहां पे लगाई खाई प्रो तो ये लगाई खाई प्रो जो है बिहार तो के किसी पंडाल मेंंडाल लगा के दो डांसर बुला के आइटम सॉन्ग पे गोली चलाते चलाते पार्टी करते हैं आई थॉट ऐसा कुछ होगा बट इन रियालिटी अगर तुम इस ऐप पे पैसे हारो तो चाइना मेंंडन बेटिंग टिप्स सट्टा मटका

बट स्टिल उन लोगों ने पूरी दुनिया घूमते रहते हैं लेकिन इस चक्कर में क्या होता है उनके घर पर रोशनी नहीं पड़ती लेकिन 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 लोगों को सब कुछ पता है किसी ने क्लिप भी डाल दिया लक्ष्य भाई का ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों ये दोस्तों देखो ये देख हमारे पास कितने सारे क्लाइंट्स चल के खुद आए हैं सब्सक्राइबर्स को बताइए भाई कि हमने प्रमोट नहीं तो नाम ले रहा था ये सारा काम लोटस फ्रोडिया सिक्स है पैसे डालो के डूब जाएंगे डॉट कॉम से डॉट इन बना दिया इन्होंने और जितनी मेरी वीडियो यूज करोगे ना वो ये सब करने के लिए अपने आपको व्हाइट वॉश करने के लिए भाई डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं इसे बुरा बोलूंगा तो डेडिकेटेड तो लक्ष्य भाई आप मुझे बताइए कि आपने ये ट्वीट क्यों डिलीट किया आप सम्राट भाई के दो पैसों के ट्वीट से डर गए डरता कौन है जिसे जिससे छुपाना होता है लक्ष्य भाई अब आप मुझे बता दो कि आप डेडिकेटेड वीडियो बनाओगे तो मैं आपके बारे में और कुछ बुरा बोलू और अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं आपको डिफेंड करूं कि कम से कम एक अप तो आप दे ही दो ठीक है तो आप मेरे को बता दो कीप इट क्लियर प्रो कीप इट क्लियर विथ मी ठीक है आप लोग जोक सुनोगे आप लोग जो सुनोगे ठीक है ठीक है ओके लेट मी स्टार्ट ओके एक बार एक आदमी चाहता है अंडे खरीदने तो वो पहले दुकान में जाता है और कहता है भैया अंडे कैसे करके दिए तो वो कहते हैं दस के तीन तो वो चल के जाता है अगली दुकान पर अगली दुकान पर पूछता है कि भैया अंडे कैसे दिए तो वो कहता है दस के दो तो ये उससे झगड़ने लगता है कहता है कि भैया बगल वाला दुकानदार तो दस के तीन अंडे दे रहा है तो ये दुकानदार उसे रिप्लाई दुकान में कहता है अबे उसकी मुर्गी सेक्स वर्क करती है ओके ओके आई बनाए बनादर बनाए बना एक बार मेरा एक दोस्त एक नदी किनारे नदी में दही फेंक रहा था तो मैं उसके पास गया मैंने उसे बोला कि भाई ये आप क्या कर रहे हो तो मेरा दोस्त कहता है अरे भाई मैं तो लस्सी बना रहा हूं तो मैं उसे कहता हूं अबे पागल है क्या इतनी लस्सी कौन पिएगा <laughs> एक और जोक सुनाता हूं आपको आपको एक और जोक सुनाता हूं ठीक है एक गाड़ी में एक बॉम्ब था मैं और एक मेरा एक दोस्त डिफ्यूज करने गए थे मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि भाई अगर ये बॉम्ब डिफ्यूज करते करते फट गया तो हम क्या करेंगे तो मैंने भारी होते हैं या एक के जी आयरन मैं बताता हूँ तुम्हें सीन क्या है ठीक है एक के जी समोसा ज्यादा भारी होता है बताओ क्यों क्योंकि समोसे के साथ चटनी भी तो आती है क्या आप चाहते हैं जोक मैं ऐसे ही जाऊंगा और ऐसे ही जोक सुनाऊंगा उन्हें

एक किलो आयरन ज्यादा भारी है कि एक किलो समोसे दोनों सेम है ना दोनों एक किलो के हैं? नहीं तूने पढ़ाई नहीं करी एक किलो समोसे ज्यादा भारी है कैसे बता क्या कैसे क्योंकि समोसे के साथ चटनी भी आती है ये ये ये, ये लॉजिक नहीं बैठा भाई दोनों तो एक किलो के हैं हेलो भाई नहीं पता भाई एक चुटकुला सुना सकता हूँ आपको हाँ एक बार एक आदमी अंडे खरीदने जाता है ठीक है तो दुकानदार से पूछ के भाई पूछता है भैया दस के कितने अंडे दिए तो वो कहता है दस के तीन boys. फिर वो अगले दुकान पे जाता है और पूछता है भैया दस के कितने अंडे दिए तो वो कहता है दस के दो तो ये झगड़ने लगता है उससे कि भाई साइड वाला दस के तीन अंडे दे, दे रहा है तो ये दुकानदार उसे कहता है अब उसकी मुर्गी है और एक और एक किलो आयरन ज्यादा भारी होता है या एक किलो समोसे एक किलो आयरन ज्यादा भारी होता है या एक किलो किलो समोसे है <laughs> बताओ बताओ भाई आयरन ज़्यादा भारी होता है। नहीं समोसे बताओ कैसे नहीं भाई आयरन समोसे समोसे फेंक के मारना मैं आयरन फेंक के मारता हूँ नहीं पर भारी ज्यादा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ ना क्योंकि समोसे के साथ चटनी भी तो आती है और ये आप अपने साउथ इंडियन दोस्त को भी कह सकते हो ये जो बस समोसे की जगह इडली कर देना अच्छा हाँ। इडली के साथ भी चटनी सांबर वगैरह आती है और पैतीस रुपए हुए अरे भाई भाई बढ़िया क्या करूं गूगल पे करूं हाँ मतलब हेलो हाय आर यू वुमेन Yeah. मेरे पास एक जो है आपके लिए मैं आपको सुना सकता हूँ hmm. okay, तो एक एक hmm. okay, okay. तो आपको एक बार एक, अंडे लेने गया, hmm. तो एक दुकान पे अंडे कितने दस के तीन फिर वो जाता है अगले दुकान पे उसके साइड वाले ठीक है और बोलता है की भाई अंडे कितने के दिए तो दुकानदार कहता है दस के दो तो ये बंदा कंप्लेन करने लगता है की भाई साइड वाले दुकानदार दस के तीन अंडे दे रहा है तो ये उसे रिस्पॉन्ड में कहता है अब उसकी मुर्गी सेक्स वर्कर है

And he asked them, How many eggs are you gonna give me for 10? The shopkeeper says, I'm gonna give you two, two eggs for 10. So this guy complains that the guy next to you is selling three eggs for 10. Why are you selling me two eggs for 10? So this guy said, You know, fuck, what do you call murky in English, bro? Fuck. Okay, I have a question for you before I give you the punchline. Yes. Okay, who lays eggs? Chickens. Okay, okay, okay. Shit, shit. My bad. Okay. So uh, that guy's selling 3x for 10. Why are you selling me 2x for 10? So the shopkeeper replies his chicken does sex work. Oh, <laughs> that's so funny. <laughs> the next person doesn't laugh at my joke. I'm retiring as a comedian. Can I tell you a joke real quick? Okay. Okay, so there's this one guy who wants to buy eggs, okay? Who hey, what? He wants to buy eggs. Yeah. So he goes to shop one. He asks mm -hmm. the guy, the shopkeeper, how many eggs are you gonna give me for ten? So the shopkeeper says three eggs. He goes to the next shop and asks the guy, How many eggs are you gonna give me for ten? So this guy says two eggs. So this guy complains, the guy next to you is selling three eggs for ten. Why are you selling only two? So this guy says his chickens are sex workers. Right. Can you laugh? What the fuck? <laughs> what does that even mean? It's cause his chickens are sex workers, so he's like pimping them out for eggs. Right. Yeah. Wow. <laughs> All right, guys. You chat me boring. Write I'm leaving. i It's done, bro. We're done.